तो हेलो भाइयों, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। रियान यादव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज आए हुए हम गुड़गांव। क्यों आए हैं भाई? देख सकते हो एक्सयूवी, महिंद्रा की एक्सयूवी 500 खड़ी हुई है, इसके लिए आए हैं भाई। क्यों आए हैं इसके लिए? ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर जो इसका वीडियो शूट कर रहे हैं हम? तो भाई पहले दिखा देता हूँ इसमें क्या हो रखा है। इसके ऑनर से तो भाई बाद में मिलाऊंगा आपको। इसमें क्या हो रखा है ना, मैं भाई चौंक गया था। आपने इसकी ड्रैग रेस भी मेरे चैनल पे देखी होंगी, तो मैं चौंक गया था भाई कि ना इसका जो मीटर है ना, वो देखो कितना घूमा हुआ है इसका मीटर। ये देखो आप भाई, ये देखो, ये ऑलमोस्ट 237,000 चलने वाली है गाड़ी। 36,000 यानी कि 36,921, 236,921। तो भाई गाड़ी एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, पहले अंदर से ही दिखा देता हूँ भाई। 9 साल हो गए हैं गाड़ी को, ये 10वें साल में जो है ना ये गाड़ी एक्सपायर हो जाएगी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि डीजल वाली 10 साल, ये डीजल वेरिएंट है भाई, कि डीजल वाली 10 साल और पेट्रोल 15 साल है। तो ये भाई 1 साल के बाद हो जाएगी एक्सपायर हो जाएगी भाई इसकी एज लिमिट जो है। बाकी भाई जैसे 9 साल के हिसाब से भाई ने चला भी बहुत दी। और बाकी भाई ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा जो इसका पार्ट है ये थोड़ा सा मतलब हो ही जाता है भाई, जैसे इतनी एज हो जाती है व्हीकल की। बाकी सीट कवर वगैरह तो भाई जेन्युइन है इसके, तो भाई सीट कवर वगैरह जो कंपनी फिटेड है वही लगा रखे है भाई ने। बाकी कुछ इसमें ऐसा कस्टमाइजेशन करवा नहीं रखा बाहर से भी ना अंदर से। बाकी थोड़ा बहुत ना इसमें जो है ना, मेरे को भाई कहीं सिंगल स्क्रैच भी नजर नहीं आ रही। बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है भाई, जो इसके ओनर बता रहे हैं मेरे को भाई। और अगर हुआ भी होगा थोड़ा बहुत काम, तो भाई 9 साल हो गए गाड़ी को, तो हो सकता है थोड़ा बहुत काम हुआ हो, बट मेरे को नहीं लग रहा भाई कहीं से हुआ है। बाकी भाई जब मैं इसके साथ ड्रैग कर रहा था ना, तो भाई मेरे को इसमें से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी सस्पेंशन से, क्योंकि 9 साल हो गए भाई गाड़ी की एज। और भाई बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी ना अंदर बैठ करके कैबिन में, ना इसके बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और भाई व्हील स्पिन तो बहुत तगड़े मार रही थी इसकी ड्रैग भाई। मेरे को इसकी ड्रैग भाई आपको मिल जाएगी चैनल पे देखने को। तो बाकी भाई अब बुला लेते हैं भाई गाड़ी के ओनर को, जो हमारे शुभम सागवान भाई है। कैसे हो भाई? तो भाई कब से ऑन कर रहे हो भाई? ये 2013 में लाए थे, फरवरी में। तो भाई XUV 500 ही क्यों ली 9 साल पहले भी? बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास। 9 साल पहले ऑप्शंस बहुत सारे थे, पर जो दाम में ये गाड़ी ऑफर करनी थी कुछ नहीं। तो भाई हाँ भाई, बाकी इसका महिंद्रा जो है ना, आप लोगों को पता होगा भाई, सर्विस सेंटर में आप अगर जाओगे, अगर महिंद्रा गाड़ी आप ऑन कर रहे हो ना, तो भाई या तो स्कॉर्पियो मिलेगी ज्यादातर, या फिर XUV 500 मिलेगी। मिलेंगी ये दो गाड़ियां तो भाई, XUV सीरीज मिलेगी महिंद्रा की, या फिर स्कॉर्पियो सीरीज आपको लिफ्ट पे टंगी हुई मिलेंगी भाई सर्विस सेंटर में। सबसे ज्यादा गाड़ियां भाई सेल होने वाली गाड़ियां हैं ये दो। और सबसे ज्यादा भाई जब ये आई थी ना भाई, ये कहते हैं लोग बाग की, जब ये आई थी ना तो इसका जो है ये बाहर की टेक्नोलॉजी पे डिजाइन करी गई है। हाँ, है ना भाई, जैसे स्कॉर्पियो पहले आती थी, बलेरो आती थी, ये बॉडी ऑन फ्रेम है। हाँ, चेसी पे टिकी हुई है। ये मोनोकोक है, ऊपर एक चीज है, एक चीज है। तो कहीं ना कहीं भाई जैसे देहात में अगर चले, पहले तो बाहर सिटीज में आ जाओ, तो सिटीज वाले लोगों को इसके फीचर्स देख करके पसंद आती थी गाड़ी, क्योंकि उनको भाई कंफर्ट चाहिए था और अपना ड्राइव का अपना थोड़ा मजा चाहिए था। बाकी भाई अगर देखें तो जिस टेक्नोलॉजी पे ये बनी हुई है ना, उस टेक्नोलॉजी पे गाँव में इतनी सक्सेस नहीं हो पाई। लोग बागों ने जैसे गाँव में, गाँव वाले होते हैं कि भाई एक अपना दादा दे और पोता बढ़ते, वो वाली चीज होती है ना, तो वो वाली चीज इसको गांव वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाए भाई। सिटी में तो काफी सेल हुई है ये गाड़ी, बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर वगैरह हो गए, ऑफिसर्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हो गए, सबने गाड़ी ऑन करी होगी भाई एक ना एक बार लाइफ में। बाकी भाई इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करवाई है भाई? ऑल ओरिजिनल है गाड़ी, हद मार के मैंने अभी इसकी मॉडिफिकेशन करी है, इसके पहिए मैंने ब्लैक पेंट कर दी, ये मेरी मॉडिफिकेशन। ये तो चलो भाई, ये तो छोटा सा पार्ट है मॉडिफिकेशन का, ये थोड़ी सी भाई गाड़ी की एज हो रखी है तो थोड़ी सी लुक इनहेंस हो जाए, वो तो भाई करना ही करना पड़ता है। बट कहीं कहीं देख सकते हो आप भाई थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखो, जैसे एज हो रखी है ना, ये थोड़े से हो रखे है, ये निकला हुआ पार्ट, बाकी ये थोड़ा सा हो रखा है। बट भाई मुझे लग रहा है भाई शुभम भाई इसके अंदर जंग भी नहीं लगा होगा, जैसे 9 साल गाड़ी आपने मेरे को बिल्कुल नहीं, पीछे से नीट एंड क्लीन लग रही है। स्कॉर्पियो में ही जंग लगता है, इसमें नहीं लगा ना। बाकी भाई पूरी ऑल ओवर गाड़ी देख सकते हो आप कैसी है, सिंगल स्क्रैच नहीं है। और बट भाई मेरे को कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा भाई, ये तो हल्का फुल्का वो है, थोड़ी बहुत तो भाई रहती रहती है जैसे गाड़ी की एज है। बाकी मेरे को जो गाड़ी लग रही है ना भाई, 9 साल के हिसाब से 237,000 अप्रोक्सीमेटली चला दी भाई। सर्विसिंग का क्या रिकॉर्ड है इसका? क्या कंपनी से कराई थी या फिर बाहर भी कराई है? इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ली थी, तो ये 5 साल तक की
वारंटी में, तो 5 साल मैंने इसकी करवाई सर्विस में। हाँ जी भाई, शोरूम में। हाँ जी भाई, फिर मैंने इसकी बाहर सर्विस करवानी शुरू। अच्छा भाई, क्योंकि सर्विस शोरूम में भाई ये होता है कि हर पार्ट के ऊपर और हर सर्विस के ऊपर वो लेबर लगाते हैं, वो हर पार्ट के ऊपर लेबर लगाते हैं हर पार्ट के ऊपर। वो फिर जितने आपके पार्ट ना हो उतना ही वो लेबर लगाते हैं भाई। तो बाहर ये पंगा है कि मैं पार्ट, जैसे मेरा एक नॉन मैकेनिक है, हाँ भाई, पहले महिंद्रा में ही काम करते थे। हाँ भाई, किस्मत की बात होती है। तो वो पहले महिंद्रा में ही काम करते थे और हमने उनने फिर जॉब छोड़ दी अपनी। हाँ भाई, और काम करने लगे। हाँ भाई, नॉन हो जाते हैं। हाँ भाई, बातचीत हो जाती है। हाँ भाई, तो सर्विस के टाइम हम उनको गाड़ी दिखाते हैं। हाँ भाई, ठीक है, वो बताते हैं कि आपकी गाड़ी में ये चीज कमी है, क्योंकि महिंद्रा वाले को पता है क्या कमी है। हाँ भाई, या तो फिर कभी वो पार्ट अरेंज करवा देते ओरिजिनल, या फिर हम ले आते हैं। सही बात है। फिर वो पार्ट लगाने के बाद वो खुद की पर्सनल एक लेबर ले लेते हैं 1200-2000। हाँ भाई, तो ये मान सकते हो कि अगर मैं बाहर से सर्विस करवाता हूँ तो मेरी गाड़ी हाफ रेट में टिच होगा। हाँ भाई, सर्विस में आप सर्विस करवाओगे तो बस ये चीज होती है कि आपकी गाड़ी धुल के आ रही है, साफ धुल के आ रही है। सही बात है, उससे लुक्स बढ़ जाता है। मैं बाहर भी धुलवा लूंगा, 500 रुपए मेरे वॉश हो जाएगी। बाकी भाई कुछ लोगों के डाउट रहते हैं कि एक्सयूवी जो है ना, जिसमें जैसे स्कॉर्पियो होगी महिंद्रा की और बुलेरो हो गई, ये क्या देसी हथकड़ गाड़ियां हैं। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा चिप चुप का झंझट नहीं है। नहीं। इनके अंदर जो जितनी भी एक्सयूवी सीरीज है 300, 500, 700 और भाई इनमें क्या चिप चुप का सिस्टम बहुत ज्यादा दे रखा है कंपनी ने। जो कुछ एक्सयूवी ओनर्स ऐसे हैं जो 500 ऑन करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें ना बहुत झंझट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत झंझट है इसके अंदर। कभी कोई सा सेंसर आवाज करने लगता है, कभी कोई सा सेंसर आवाज करने लगता है। इसमें टीपीएमएस की बत्ती आ रही है, जबकि आवाज में सही है। तो सेंसर की महिंद्रा में आज की तारीख में भी दिक्कत है। आज के टाइम में आप एक्सयूवी 700 ऑल व्हील ड्राइव लोगे, उसमें भी दुनिया भर की परेशानी है। तो भाई जैसे महिंद्रा की नई एक्सयूवी सीरीज वाली एक्सयूवी सीरीज की नई गाड़ी आई है 700, ठीक है, उसके अंदर भाई बहुत सेंसर है, बहुत ज्यादा सेंसर है, ऑल व्हील ड्राइव है ना। और अब कहीं ना कहीं महिंद्रा उसका एडास कम कर रहा है भाई न्यू वेरियंट्स में। ठीक है, जरूरी है, है ना, क्योंकि 700 में जब से एडास आया है 10,000 किलोमीटर पे इसके ब्रेक, लोग बाग उसका भाई मिसयूज भी करते हैं, हाईवेज पे भाई ताश खेलने लग जाते हैं। वो कर रहे हैं, ठीक है भाई, पार्ट जल्दी वॉर्न आउट हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि ब्रेक पैड एक तो एडास में हमेशा ब्रेक दबी रहती है, दबी। हाँ हाँ, उसकी वजह से 10,000 रुपए उसका ब्रेक पैड खत्म। ब्रेक पैड यार 30 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं। हाँ, 10,000 में तुम ब्रेक पैड खत्म। बाकी भाई एक्सयूवी 700 जो ऑन कर रहे थे भाई, अब वो क्या है 10,000-20,000 किलोमीटर चला करके उसको रीसेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? भाई खर्चा इतना मांग रही है। एक तो 700 लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें फीचर्स है, एडास है। उसका मोस्टली लोग ले रहे हैं X7 लग्जरी, और सबसे ज्यादा खराबी उसी वेरिएंट में। अगर आप X5 भी लोगे ना, हाँ भाई, तो आपकी खूब चलेगी। हाँ भाई, जितने सेंसर होते हैं भाई, मैं तो ये कहूँगा जितने सेंसर जितने फीचर गाड़ी में हो उतना नुकसान है, उतना नुकसान है। देसी हथकड़ सही है। मैंने पहले भाई वीडियो की स्टार्टिंग उसके हिसाब में ये ठीक है, कामयाब बोलूंगा स्कॉर्पियो भाई। बाकी भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितने भी एक्सयूवी ओनर्स हैं तो भाई उनको क्या कहना चाहोगे आप? बस यही कहना चाहूंगा भाई, जिनके पास एक्सयूवी 500 है कुछ भी कर लो, बेचो मत, क्योंकि एक्सयूवी 700 भी अगर ले लोगे, हाँ, वो फील 700 में नहीं आएगी जो आपको इसमें रहेगी, जो इसमें रहेगी। 700 अगर आप बैठोगे, इससे सीटिंग लो है उसकी, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, गाड़ी नीचे है, उसमें बैठ के क्रेटा वाली फील है। भाई 9 साल हो गई ऑन करते करते एक्सयूवी 500, ठीक है, और भाई 236,000 चला दी गाड़ी, आपको मीटर भी दिखा दिया। बस इसी चीज के कारण मैं इस गाड़ी का फैन हो गया। ड्रैग रेस देखी होगी, बिच्छू इसने जो है ना भगा भगा करके मारा है 237,000 चलने के बाद भी। 36 से 37,000 चल गई, अब 37,000 भी चल जाएगी भाई, अगर थोड़ी सी और 50-1 किलोमीटर चला दी तो 37,000 पूरी हो जाएगी, शाम तक चल जाएगी भाई। बाकी भाई टायर कंडीशन, आपने टायर इतनी दिन में मतलब 237,000 कितने बदल दिए होंगे, कितने पैर? पूरा याद है। हाँ, पहला मेरा सेट बदला था 70,000 पे भाई, कंपनी वाला। हाँ, हाँ भाई, दूसरा सेट बदला भाई मेरा 1.5 लाख, 1.5 लाख पे, जिसे नहीं थे वो। हाँ भाई, सेम मतलब 70,000 पे बदल गया। हाँ भाई, टायर फट गया था। हाँ भाई, चारों बदलवा दिए। हाँ भाई, स्टॉक चला रहे थे फिर सीरीज, जो भी पेयर डाल रहे थे वो स्टॉक ही डाल रहे थे, सेम साइज। हाँ, सेम साइज। अच्छा, इसकी छेड़खानी नहीं करी, जरूरत लगी नहीं। ठीक भाई, और फिर लगे 2 लाख पे, 2 लाख वाले भी चल रहे। और अच्छा भाई, कुछ बाकी एक चीज और पूछना चाहूंगा भाई, जैसे 9 साल हो गए गाड़ी को और 236,000 प्लस चल गई है, तो एवरेज सबसे मेन कारण है एवरेज के, भाई जितनी गाड़ी पुरानी होती जाती है ना वो एवरेज पे आकर के अटक जाती है सुई। भाई बिल्कुल,
जेन्युइन बात है, ये चीज मैंने अब 9 साल बाद नोटिस करी है। हाँ भाई, शुरू में मैं तो भाई मेरे को ये गाड़ी मतलब अभी भी प्यारी तो है। हाँ तो शुरू में ये हाईवे पे ले जाता था, हाँ भाई, मेरे को 18-19 ऐसी माइलेज देती थी। हाँ भाई, हाँ भाई, 80-100 पे इसको क्रूज करूँ तो। हाँ भाई, शहर में भी ये गाड़ी मेरे को लाइट फुट पे 12-13 निकालती थी। हाँ भाई, आज की तारीख में इसकी 75 लीटर की टंकी है। हाँ भाई, 7.5 भी नहीं चलती, यानी एवरेज लगा लो 10 की भी नहीं दे रही, 10 की भी नहीं दे रही, 9-9 की शहर में दे रही, हाईवे पे जाके 13-14। तो एवरेज कहीं ना कहीं घट गया भाई। बाकी इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन आपने करवाई? कुछ भाई, कुछ नहीं करवाया। म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ छिड़वाया? कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं छिड़वाया। तो भाई ये थी कुछ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना भाई कि जितने भी एक्सयूवी ओनर्स है ना भाई, वो कमेंट जरूर करना, जरूर से करना भाई, क्योंकि 2,37,000 भाई मैंने पहली गाड़ी देखी है जिसके अंदर बिल्कुल भी नॉइस नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अगर गाड़ी कंपनी में आप सर्विस करा रहे हो, बाहर करा रहे हो, कहीं भी करा लो भाई, अगर एक्सपर्ट बंदा करेगा ना सर्विस, तो भाई गाड़ी के अंदर आवाज नहीं आ सकती और गाड़ी परफॉर्मेंस देगी ही देगी आपकी गाड़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, बाय बाय।